हे एवरी वन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस कुर्ती का फुल ट्यूटोरियल, कैसे मैंने स्टिच की है, कैसे मेज़रमेंट लिया है, कैसे मैंने कटिंग की है, सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने यहाँ पे 2.5 मीटर कपड़ा लिया है, ये 2.5 मीटर था। लेके तो मैं आई थी कि सिंपल कुर्ती बनाऊँगी, बट सिंपल कुर्ती नहीं बना पाई। मैंने सोचा कुछ अलग तरीके से मैं इसको ट्राई करती हूँ, तो मैंने अलग तरीके से बनाई है। तो इसके साथ मैंने यहाँ पे ये ब्लाउज़ पीस लिया है, मेरे पास रखा हुआ था, कॉटन का कपड़ा है ब्लाउज़ पीस का। तो इसके अंदर मैंने कुछ पट्टियाँ वगैरह लगाई हैं, जो कि मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही हैं। आप बताइएगा कैसे लग रही हैं। और आजकल ऐसा ही फैशन है कि कुछ भी मैच कर लो उसी का फैशन बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने लेंथ ली है 15, वैसे 14 लेनी है, लेकिन बैक साइड में कट कर रही हूँ तो मैंने 1+ किया है, तो 15 मैंने लेंथ ली है इसकी। आप अपनी फ़िटिंग के अकॉर्डिंग जो भी है वो ले सकते हैं, मैं अपनी फ़िटिंग के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे शोल्डर मैंने लिए हैं 7 इंचेस। अगर आप ज़्यादा मतलब मोटे हो तो आप थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो। और जो आर्म होल है वो मैंने 7.5 लिया है। जो नेक है वो ये बैक वाला पीस है, तो मैंने यहाँ पे 1 इंच लिया है बैक में, क्योंकि मैं बैन वाला नेक लगाने वाली हूँ, तो ये मैंने 1 इंच लिया है। और साइड से जो चौड़ाई है वो 3 इंच ली है। अब मैं यहाँ पे बस्ट का साइज़ लगा रही हूँ, आप अपनी अकॉर्डिंग लगा सकते हो। और ये जो कुर्ती मैंने स्टिच की है, ये यूट्यूब से 3-4 वीडियोस देख के उसी को सब कुछ मिक्स एंड मैच करके मैंने ये लिया है। तो जो कमर का जो निशान है वो मैंने 1+1 किया है, क्योंकि पीछे से मैं थोड़ा सा इसको अलग से मशीन लगाने वाली हूँ, तो मैंने इसको कट कर लिया। अब जो फ्रंट पार्ट है वो मैं प्रिंसेस कट करने वाली हूँ। तो पहले प्रिंसेस कट, जब भी आप कटिंग करते हो तो आप अपने एक पेपर ले लें और उस पर कटिंग करें। तो आगे का जो नेक है वो मैंने 3x3 लिया है, तो चौड़ाई भी 3 है और लेंथ भी 3 है। और जो आर्म होल है वो मैंने 7.5 बैक का लिया था, लेकिन फ्रंट का मैं 7 इंचज ही ले रही हूँ। और आर्म होल मैंने यहाँ पे 1 इंच लिया है, और जो बैक साइड का था वो शायद क्लिप मिस हो गई, वो मैंने 1.5 ही लिया था। आगे का 1 लिया है, क्योंकि आगे की छटाई ज़्यादा होनी है इसीलिए। और आगे की लेंथ भी मैंने 15 ही ली है। नीचे से मैंने सेम ही जो वेस्ट है उसका जो निशान लगाया है वो सेम ही लगाया है, लेकिन आगे का जो हिस्सा होता है वहाँ से हमें कप जो है वो अलग लेने होते हैं, क्योंकि मैं प्रिंसेस कट करने वाली हूँ। तो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, और जो फिटिंग है उसके अलावा मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो मैंने 3.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है फिटिंग के अलावा। तो अभी मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ पे 3 इंच छोड़ के, फिर मैंने 2 इंच पे निशान लगाया है, और ये इतना हिस्सा मैं कट करने वाली हूँ। ऊपर से मुझे यहाँ पे 10 इंचज लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो कर्व है वो आएगा। तो आप जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे आप कट कर सकते हो। मुझे इतनी स्टिचिंग नहीं आती है, बट क्योंकि मैंने सीखा नहीं हुआ है, लेकिन जैसे मैं देखती हूँ वैसे मैं स्टिच करने की कोशिश करती हूँ, और जो भी एक्सपेरिमेंट करती हूँ वो मैं अपने ही कपड़ों पे करती हूँ। बाहर की मैं सिलाई नहीं करती हूँ, अपने ही स्टिच करती हूँ, और फैमिली में जो भी रिलेटिव्स वगैरह हैं उनके स्टिच कर देती हूँ बस, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता है। और बाहर वाले जो होते हैं वो नखरे भी ज़्यादा ही करते हैं, ये कर दिया वो कर दिया ऐसे, इसलिए सिर्फ अपने ही स्टिच करती हूँ। अपने स्टिच हो जाते हैं वही इनफ है, क्योंकि स्टिचिंग इतनी ज़्यादा लेते हैं लोग कि बस इतने का सूट आता है, इतने की स्टिचिंग। तो इसको मैंने कट कर दिया है। तो पेपर पे कट करने का फ़ायदा ये है कि हमें जो आधा आधा इंच वो एक्स्ट्रा लेना होता है। जो भी मैंने ये शेप दी है यहाँ पे, ये मैं कटिंग कर रही हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आधा आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है दबाने के लिए। तो आप ये मिस्टेक ना करें, कहीं जितना ये पेपर मैंने कट किया है उतना ही पेपर कट कर लें, आधा इंच फालतू लेना ही है इस वाले पीस में भी, और जो कप वाला पीस है उसमें भी आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ये मेरे जो पूरे पार्ट हैं वो कट चुके हैं, अब मैं इनको स्टिच करूँगी। तो अब मैंने यहाँ पे आगे का नेक लिया है, मेरे पास बुकरम ख़त्म हो गई थी और यहाँ आसपास कोई शॉप भी नहीं थी तो मैं मंगवा लूँ, लेकिन मैंने ये जो पाउचों में जो लगती है फॉर्म टाइप में ही कुछ था, ये मुझे नहीं पता है क्या है, बट इसका एक रोल था
तो मैंने ये यूज़ कर लिया है, और ये बुकरम के जैसे ही है इसलिए मैंने इसको यूज़ कर लिया। तो मैं थोड़ा सा वेन का नेक बनाऊंगी, तो उसमें एक लीफ शेप में भी थोड़ा सा कर्व देने वाली हूँ, इसलिए मैंने ये लिया है। तो जैसे मैंने स्टिच किया है, मैं सिर्फ वही आपको बता रही हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ स्टिचिंग में, कि मैंने आपको पहले ही बताया मैंने सीखा नहीं हुआ है, तो बस जो दिखता है मैं वो करने की कोशिश करती हूँ। तो अभी मैंने नेक को यहाँ पे अटैच कर लिया है। नेक वगैरह मैं ज़्यादातर सिंपल ही पहनती हूँ, और मुझे बोट नेक काफ़ी पसंद है, तो मोस्टली मेरे सूट में आपको बोट नेक ही दिखने को मिलेगा। और मुझे अपने कपड़े खुद ही डिज़ाइन करने का बहुत शौक है, क्योंकि खुद डिज़ाइन करते हैं तो वो सबसे अलग दिखते हैं, और ये तो आपको पता ही होगा कि लेडीज़ को अलग दिखना बहुत ही पसंद है, इसीलिए। तो ये ऑलमोस्ट मेरा जो नेक है वो बन चुका है, और इसको मैं आप कुर्ती पर अटैच कर दूंगी। आप पहले बीच में एक सिलाई लगा लें जिससे इधर उधर ना हो नेक। तो ये मैं लगा रही हूँ, इसके बाद मैं शोल्डर अटैच करूँगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि बुकरम नहीं था, और ये जो पाँचों की जो ये फॉर्म थी, ये थोड़ी सी इसकी जो चौड़ाई थी वो कम थी, तो मैंने सोचा कि बुकरम मंगवा लूँगी, लेकिन यहाँ पे आसपास में एक शॉप है वहाँ पे मिली नहीं, तो मैंने पूरा जब तक पूरा ये स्टिच कर दिया था, तो नेक मैंने बाद में लगाया था, और लास्ट में फिर मुझे ये जो पाउचों वाली जो फॉर्म है इसी को जोड़ के, और तब मुझे जो कॉलर है वो बनाना पड़ा, क्योंकि मेरे अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई नई चीज़ आ जाती है तो मैं उसको फटाफट से यूज़ करने के लिए मतलब बहुत क्यूरियस रहती हूँ। तो ये जो आगे का नेक है वो बन चुका है, तो ये कुछ इस तरीके का है, और काफ़ी सुंदर लगता है पहनने के बाद, आपने देखा जो स्टार्टिंग में मैंने फ़ोटो लगाया। तो अभी मैं शोल्डर अटैच कर रही हूँ, और जो नेक है वो आपको शोल्डर अटैच करने के बाद ही लगाना चाहिए, इससे क्या होता है कि वो नेक है अच्छे से लग जाता है। तो आप जब भी बनाएं तो शोल्डर अटैच करने के बाद ही बैन का जो गला है वो लगाना चाहिए, और अगर आप बैन का गला नहीं लगा रहे हो तो बिना शोल्डर अटैच किए भी आप लगा सकते हो। सबसे पहला जो काम होता है कमीज में वो गला बनाना ही होता है, तो ये मेरा जो गला बन चुका है, अब मैं इसको जो हाफ बैन है उसको मैं मेज़र कर लूँगी, और उसका मैं डबल कर लूँगी, क्योंकि इसको मेज़र करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के अकॉर्डिंग हमें जो अपना बैन है, बैन का जो बुकरम है वो कट करना है। अगर थोड़ा सा भी छोटा बड़ा होगा तो आपका जो गला है वो अच्छे से सेट नहीं होगा। तो अभी जो मेरा जो चोली का जो हिस्सा था प्रिंस कट मैंने किया था, जो कप हैं उनको मैं अटैच कर रही हूँ, तो दोनों को ही मैं अटैच कर लूँगी। तो दोनों ही कप मेरे अटैच हो चुके हैं। अब मैं जो नीचे का जो गाउन एरिया है, मतलब गाउन के लिए जो मैंने पीस कट किए थे, वो मैं अटैच करूँगी। पहले मैंने सोचा था कि कल ही बना के तब मैं बनाती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं यहाँ पे चुन्नटें डाल देती हूँ, तो मैंने आगे और पीछे दोनों साइड मैंने चुन्नटें डाल दी हैं। तो चुन्नटें डालने के बाद ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, और आजकल ट्रेंड में भी यही चला हुआ है। जो कली का फैशन था वो थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है, अभी चुन्नटें डालने लग गई हैं अलग अलग तरीके से, कोई आगे डाल रहा है, कोई साइड साइड में डाल रहा है, कोई पीछे डाल रहा है, तो यही फैशन में चल रहा है। मतलब जो स्टिच करके पहन लो वही फैशन में आ जाता है। तो ये दोनों जो हिस्से हैं मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी जो ब्लाउज पीस है उसको मैंने पट्टियों में कट कर लिया है, और आयरन भी कर लिया, तो इसको मैं डबल रखूँगी पट्टी को, ताकि जो फ्लार है वो जो फ्लेयर है वो थोड़ा सा हैवी लगे, तो मैंने डबल पट्टी ली है। इसी को मैंने जो सीधी साइड है वहाँ पे उसको फोल्ड कर देना है, तो मैंने उल्टी साइड से इसको अटैच किया है, तो इसको मैं अटैच कर लूँगी, और फिर सीधी साइड ऊपर से मशीन लगा दूँगी, तो ये डबल हो जाएगा कपड़ा, और नीचे थोड़ा हैवी लुक आएगा तो कुर्ती अच्छी लगेगी। तो अभी मैंने जो पाउचों वाली जो फॉर्म थी वो मैंने गले के लिए यूज़ की है, तो इसको मैंने अटैच कर लिया है, क्योंकि ये इसकी जो चौड़ाई थी वो कम थी, लेकिन गले के लिए मुझे थोड़ी ज़्यादा चौड़ाई चाहिए थी। तो अभी मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि जो हमारा नेक है उसको मैंने 3 इंच लिया था, और नीचे से अब मैं थोड़ा सा कर्व करूँगी राउंड शेप में, ताकि जो हमारा बैन है वो अच्छे से शेप में आ जाए।
बैन के लिए हमेशा कर्व ही लेना होता है, और हमने अपने बैन की जो लेंथ मेज़र की थी वही लेंथ हमें रखनी है ताकि एकदम प्रॉपर तरीके से हमारा बैन लगे। तो मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे से जो मेज़रमेंट लिया था वो ले लिया है, और इसको मैं अब राउंड शेप में ऐसे ले जाऊंगी और कट कर दूंगी। तो ये हमारा जो बैन है वो कट चुका है। आपको हमेशा बैन ऐसे ही कट करना है, चाहे आप छोटा बैन लगा रहे हो या फिर बड़ा बैन लगा रहे हो। तो इसी शेप में आपकी बैन पट्टी होनी चाहिए, तभी आपका बैन का गला अच्छा लग पाएगा। तो इसको मैंने कट कर लिया है, और अब मैं वही कपड़ा लूँगी जो ब्लाउज़ पीस का है, तो उसको मैं उल्टी साइड रखूँगी। उल्टी साइड रखूँगी तब जो नीचे का हिस्सा है वो सीधी तरफ आएगा। तो आप जब भी ये बैन पट्टी अटैच करते हो तो उल्टी साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए और सीधी साइड नीचे की तरफ होनी चाहिए। तो इसको अच्छे से आप अटैच कर लें, और सलवटें नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपके पास बुकरम है और वो स्टिक हो सकता है तो आप पहले आयरन से स्टिक कर सकते हैं और फिर आप लगा सकते हैं, उससे भी एकदम नीट वर्क आएगा। तो मैंने ये इस पर अटैच कर लिया। अब मैं इसको फोल्ड कर दूंगी। तो जैसे मैं कर रही हूँ आप वीडियो में देख सकते हो, उसी तरीके से आपको ये अटैच करना है। काम आप कोई भी करते हो वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, एकदम परफेक्शन के साथ होना चाहिए, और मुझे पर्सनली परफेक्शन बहुत पसंद है। तो मैं जो भी काम करती हूँ वो परफेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो आप देख लें कि कैसे मैं इस पट्टी को फोल्ड कर रही हूँ। तो साइड में जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आप कट कर लें और तभी इसको फोल्ड करें। तो इसको मैंने अच्छे से मोड़ दिया है। अब मैं सेम कलर की पट्टी ही लूँगी। अगर आप सेम नहीं, मतलब कोई अगर सेम कपड़ा नहीं बचा हुआ है, मतलब कमीज में से बचा हुआ है, तो आप वो भी ले सकते हैं, बट मैं ये सेम ले रही हूँ। और इसको मैं अब जो अटैच करूँगी वो मैंने सीधी तरफ ऊपर की है और उल्टी तरफ को मैंने नीचे किया है। तो इसको मैं नीचे की साइड से स्टिच करूँगी, आप देख सकते हो। तो ऐसे मैं इसको स्टिच करती हुई जाऊँगी, और इसको मुझे फिर बाहर, मतलब यही दिखेगी पट्टी बाहर की साइड। तो इसको आपको अच्छे से पूरी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आप कर्व की साइड से निकाल दें, और छोटे छोटे आपको कट लगा लेने हैं ताकि अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो मैंने इसको कट कर लिया है। अब मैं इसको फोल्ड कर दूंगी। कट करने से आपका जो कर्व है वो अच्छे से फोल्ड हो जाता है, उसमें सलवटें नहीं पड़ती। तो आप कट ज़रूर लगा लें। तो हमारा जो बैन है वो 80% कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसको नेक पे अटैच करना है। तो आप देख सकते हो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आप उसको निकाल दें। तो यहाँ पे मैं एक मोटी सिलाई लगा रही हूँ ताकि नेक के अंदर कोई भी सलवट ना हो। ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है और यूट्यूब से देख के ही ट्राई किया है। तो मैं यूट्यूब से ही कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ, ट्राई करने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो कुकिंग हो, स्टिचिंग हो, कुछ भी हो, मेहंदी डिज़ाइन हो, मेकअप हो, कुछ भी हो, तो देख के ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। और कुछ टाइम के बाद कोशिश कामयाब होती है और काम के अंदर परफेक्शन आना स्टार्ट हो जाता है। तो प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए हर एक चीज़ की। आप कुछ भी काम सीख रहे हो तो उसमें प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो अभी मैंने जो अपना बैन है वो लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो पूरी कुर्ती मैंने पहले स्टिच कर ली थी, इसलिए थोड़ा सा आपको कम विजिबल होगा कि मैं कहाँ पे क्या स्टिच कर रही हूँ, लेकिन मैं बैन पे ये पट्टी लगा रही हूँ। और आपको ना तो ऊपर वाला कपड़ा, मतलब बैन वाला, और ना ही कुर्ती वाला कपड़ा आपको खींचना है, सिर्फ नॉर्मल रखना है। अगर आप खींचेंगे तो इसके अंदर सलवटें आ जाएंगी जो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको मैं फटाफट से लगा लेती हूँ। अभी मैं दूसरी साइड पे सिलाई लगा रही हूँ, और ये मेरी लास्ट सिलाई है। इसके बाद कुर्ती कंप्लीट हो जाएगी, तो हमारा जो बैन है वो भी बन के तैयार हो जाएगा।
बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितने आपकी बैंड की लेंथ है वो आप अच्छे से मेज़र कर लें, ना तो ज़्यादा लूज़ करके आप मेज़र करें, ना ही ज़्यादा टाइट करके खींच के आप मेज़र करें। तो लेंथ परफेक्ट होगी तो आपका बैंड परफेक्ट बनेगा, जैसे मैंने अभी परफेक्ट बनाया, और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया है, और फर्स्ट टाइम में कुछ हद तक ठीक बन ही गया मुझे, ज़्यादा ना तो ये छोटा पड़ा और ना ही ज़्यादा बड़ा पड़ा। लेकिन जो पहनने के बाद है, थोड़ा सा जो गला है वो थोड़ा पीछे की साइड जा रहा है, वो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पीछे का जो हिस्सा मैंने लिया था वो थोड़ा सा ज़्यादा लेना था आगे की अकॉर्डिंग, इसीलिए। तो आप देख सकते हो मेरा जो बैन है वो एकदम परफेक्ट बना है, ना छोटा है ना बड़ा है, और अब बनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। तो जो नेक है वो बन गया है, और ये जो ब्लाउज़ पीस की जो पट्टियाँ हैं वो मैंने एक तो बैन पे लगाई है और बाजू पे भी लगाई है। बाजू की कटिंग और स्टिचिंग मैंने आपको नहीं दिखाई है, वो सिंपल सी है। तो ये बाजू पे है और ये मैंने घेरे पे लगाई है आगे और पीछे दोनों साइड, और इसको मैंने डबल रखा है। तो ये जो मेरी कुर्ती है ये बनके तैयार है, और जो फाइनल लुक है वो आप देख सकते हो, पहनने के बाद ये कुछ इस तरीके से लगती है। एंड इस कुर्ती का ये फ़ायदा भी है, अगर आप मोटे हो मतलब आपको टमी है तो वो भी आपका हाइट हो जाता है। सो गाइज, नीचे का जो फ्लेयर है वो आप देख सकते हो, काफ़ी हैवी लग रहा है क्योंकि मैंने डबल पट्टी लगाई थी। तो ये थी आज की वीडियो, होप आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।